नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्था में अलग अलग पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें 10th+ आईटीआई वाले भी बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे। अगर 12th आपने किया है वो भी बच्चे अप्लाई करेंगे। इसके अलावा हायर क्वालिफिकेशन पर भी वैकेंसी है। ज़्यादातर जो पोस्ट है ना दोस्तों, 10वीं और 12वीं लेवल पर वैकेंसी है। संपूर्ण डिटेल्स हम आपको बताएंगे, पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्तों जो नोटिफिकेशन जारी किया गया ना, बहुत कन्फ्यूजन वाला नोटिफिकेशन है, मतलब समझ में नहीं आएगा। तो पूरा डिटेल्स हम आपको बताते हैं कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, इसके लिए दोस्तों आपका सिलेबस कैसा होगा, इसके अलावा दोस्तों आपका जो आपका होगा ना सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, मतलब ए टू जेड आपको सरल भाषा में जानकारी देते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, ये बार्क, बार्क का फुल रूप होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। उसमें वैकेंसी निकल के आई है। टोटल आपका 4374 पोस्ट है दोस्तों। देखो इसमें से दोस्तों शुरुआत में Category 1 और Category 2 जो लिखा है ना दोस्तों, ये दोस्तों ट्रेनिंग पीरियड पर नौकरी है। पहले 2 साल का ट्रेनिंग होगा, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि ये अभी ट्रेनिंग है तो परमानेंट नहीं होइएगा, तो बाद में चल के आपका परमानेंट, अगर ट्रेनिंग सक्सेसफुल आप पास कर जाते हैं तो आपका आगे चल के हो जाता है हमेशा के लिए, ठीक है। उसके अलावा अभी डायरेक्ट भी रिक्रूटमेंट है, डायरेक्ट अभी 212 पोस्ट पर निकला हुआ है। अब टेक आप जो जो ट्रेनिंग पीरियड वाला वैकेंसी है ना, उसमें दोस्तों Category 1 में 1216 पोस्ट है और Category 2 में दोस्तों आपका आपका देख लो 2946 पोस्ट है। अब 1216 पोस्ट वाले के लिए आपका एज जो चाहिए ना, 19 से लेकर 24 साल चाहिए, ठीक है। बाकी OBC का 3 साल का छूट और SC ST को 5 साल का छूट मिलेगा, और इसके लिए 150 रुपये आपका अप्लाई का फी लगेगा। बाकी Category 2 ये भी दोस्तों ट्रेनिंग वाला है, ठीक है। इसमें दोस्तों आपका 2946 पोस्ट हो गया, 18 से 22 साल जनरल वाले, बाकी OBC का 3 साल और SC ST को 5 साल का छूट है, और इसके इसमें अप्लाई करोगे तो 100 रुपये लगेगा। बाकी दोस्तों जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका है ना 212 पोस्ट पर, इसमें से आपका टेक्निकल ऑफिसर का है 181 पोस्ट, जिसके लिए 18 से 35 साल एज है, बाकी कैटेगरी में तो छूट मिलेगा। अब देखो साइंटिफिक असिस्टेंट का दोस्तों आपका पोस्ट है, इसके लिए दोस्तों 7 पोस्ट है और 18 से 30 साल मांग रहा है, ये डायरेक्ट है परमानेंट अभी से ही। बाकी टेक्निकल के लिए दोस्तों 24 पोस्ट है, 18 से 25 साल एज मांग रहे हैं, बाकी कैटेगरी वाइज छूट, ठीक है। ये बात समझ गए आप लोग? तो अभी दोस्तों 212 पोस्ट, जिसमें ये 3 प्रकार का पोस्ट है, ये डायरेक्ट अभी है। बाकी जो आपका Category 1 और Category 2 है ना, इसमें अलग अलग प्रकार का पोस्ट है, 10वीं 12वीं लेवल पर पोस्ट है। तो ये दोस्तों 2 साल का अभी फिलहाल में आपका ट्रेनिंग चलेगा, ट्रेनिंग पास कीजिएगा तो फिर आपका हमेशा के लिए होगा, ठीक है। अब एज जो काउंट किया जाएगा ना, 22 मई 2023 से आपका एज काउंट किया जा रहा है। बाकी जैसे मैंने छूट बताया कि 3 साल का OBC का और SC ST का 5 साल का छूट मिलेगा, ठीक है। और अप्लाई डेट दोस्तों स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट की बात करें तो 25 मई तक है, 24 से ये स्टार्ट है फॉर्म भरने का, और 25 मई लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, पहले ही फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा समझने वाली बात यह है ना, अब कौन कौन सा पोस्ट पर वैकेंसी है वो समझ लो। सबसे पहले दोस्तों हम जो बता रहे हैं यहाँ पर ना, Category 2 का बता रहे हैं, क्योंकि इसी में दोस्तों 10वीं 12वीं लेवल पर वैकेंसी था, तो पहले Category 2 का समझिएगा, ये 2 साल का ट्रेनिंग वाला है, ठीक है। इसमें देखो दोस्तों यहाँ पर पोस्ट कोड लिखा गया है, तो पोस्ट कोड आप लोग खुद देख सकते हो। इसमें आप देखिए किस किस पोस्ट के लिए कितना पद है। सबसे पहले अगर फीटर की बात करें तो 698 पोस्ट की वैकेंसी है, अच्छा खासा पोस्ट है दोस्तों, क्योंकि ये Category 2 में वैकेंसी है 2946, इसी में सबसे ज्यादा पोस्ट है ये दोस्तों। फीटर का हो गया 698। अब सबके लिए क्वालिफिकेशन हम आपको बताएंगे। बाकी टर्नर या मैकेनिस्ट का आपका 213 पोस्ट पर वैकेंसी है, तो बहुत सारे बच्चे ITI करते हैं फीटर से। अभी भी क्वालिफिकेशन बता देता हूं, अगर आपने 10th किया हुआ है दोस्तों, 10th में आपका साइंस और मैथ, जनरली 10th में साइंस और मैथ तो होता ही है, अब अलग से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ता। 10th अगर आपने किया तो साइंस तो सब्जेक्ट होता ही और मैथ होता ही है, ठीक है। तो 10वीं में है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 60% मार्क्स होना चाहिए, कंपलसरी है दोस्तों, 60% है 10वीं में, 10th में तो अप्लाई करोगे। साथ में दोस्तों ITI चाहिए, हमने शुरू में ही बताया था 10वीं+ ITI वाले पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है, ठीक है। ITI किस ट्रेड में चाहिए? रिलेटेड ट्रेड में, जो पोस्ट पे यहाँ पर नाम है उसमें आपको ना ITI कर रखे। बहुत सारे बच्चे हैं फीटर से करते हैं, इलेक्ट्रीशियन से करते हैं, तो आराम से इस फॉर्म को भरोगे, ठीक है। और ज़्यादा इसमें कंपटीशन भी नहीं होगा, और अप्लाई करने का भी ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो फीटर का 698 पोस्ट, 10वीं में साइंस और मैथ 60% होना चाहिए, बाकी ITI तो होना ही चाहिए फीटर से। टर्नर या दोस्तों मैकेनिस्ट के है तो 213 पोस्ट है, सेम आपका क्वालिफिकेशन। वेल्डर से दोस्तों 99 पोस्ट है। बाकी आपका मैकेनिक आप बात करें ना यहाँ पर, ठीक है, मैकेनिक मशीन का दोस्तों 18 पोस्ट है, ठीक है। और देखो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का दोस्तों 399 पोस्ट है। बहुत सारा बच्चा इलेक्ट्रीशियन से ITI करता है, अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से किया हुआ है तो आप आराम से अप्लाई करो, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का दोस्तों 226 पोस्ट पर वैकेंसी है, क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखो यहाँ पर प्लांट ऑपरेटर का 532 पोस्ट है। अब 532 जो पोस्ट है ना, इसमें दोस्तों आपका 12th चाहिए,
ट्वेल्थ में दोस्तों आपका पीसीएम होना चाहिए। पीसीएम कहने का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और साथ में बायोलॉजी भी होना चाहिए, और दोस्तों 60% मार्क्स भी होना चाहिए, और ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखो, तो ये दोस्तों लेबोरेटरी का आपका 303 पोस्ट है, तो ये दोस्तों 12th पे है, ये 10th पे है। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग बहुत सारा पोस्ट है, वो देख लीजिए मोबाइल के स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों, हमने नोटिफिकेशन ओपन कर लिया। यहाँ पर देखो एक चीज़ आप देखोगे ना, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जैसे कि मैंने बोर्ड पर बताया। टोटल यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है और सबका सैलरी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब देखो इसके अलावा दोस्तों ये ट्रेनिंग स्कीम के तहत वैकेंसी है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2, जिसमें इतना पोस्ट है और उसका सैलरी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब देखो ये दोस्तों जो ट्रेनिंग वाला है ना, इसका 2 साल बाद आपका परमानेंट चर्चा है, हम आपको आगे दिखाएंगे। अब नीचे आओगे ना, तो यहाँ पर अलग अलग क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले जो आपका ऊपर देखोगे ना, ये वाला ट्रेनिंग ऑफिसर का, ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर का माफ कीजिएगा। इसमें दोस्तों जो पोस्ट है ना, यहाँ पर आप लोग देखो इसमें क्या क्या दोस्तों, यहाँ पर पोस्ट कोड दिया गया और डिस्प्ले यहाँ पर क्या क्या सिविल में आप कंप्यूटर साइंस में कितना कितना कैटेगरी वाइज पोस्ट है। अब सबका क्वालिफिकेशन देखोगे तो यहाँ पर खुद देख सकते हो, थोड़ा सा हायर क्वालिफिकेशन है, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा देखो यहाँ पर आप लोग देखोगे ना, तो अलग अलग पोस्ट कोड है, क्या क्या पोस्ट है, और यहाँ पर सारा क्वालिफिकेशन देख सकते हो। ये अगर टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा दोस्तों, इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो, ठीक है। देखो नीचे आओगे, यहाँ पर आप लोग देख लो, ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। अब देखो साइंटिफिक आपका असिस्टेंट के लिए दोस्तों, यह फूड आपका टेक्नोलॉजी में होम साइंस आपका, ये इसके लिए क्वालिफिकेशन बीएससी मांग रहा है। हम जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन है उस पर आ जाते हैं। देखो यहाँ पर ट्रेनिंग स्कीम के तहत कैटेगरी 1 आपका ये वाला है, तो इसमें आओगे ना, इसमें भी दोस्तों थोड़ा बहुत आपका केमिस्ट्री ये सब आप लोग पोस्ट कोड और देख सकते हो, कितना कितना पोस्ट है, सबका क्वालिफिकेशन देख सकते हो, ठीक है। हम 10th 12th वाले ज़्यादातर बच्चों के लिए हम बताने वाले हैं, उसके लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए तो वो आपको मैं पहले बता देता हूँ, नहीं तो ये सब खुद का देखना है तो खुद देख सकते हो। देखो कैटेगरी 2 में दोस्तों जो आपका स्पेनेटरी आप ट्रेनिंग वाला जो है ना, उसमें देखिएगा फीटर का, जैसे मैंने बोर्ड पर बताया, कैटेगरी वाइज दोस्तों आप पोस्ट यहाँ पर देख सकते हो खुद कितना पोस्ट है, टोटल 698 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन एसएससी यानी 10th को बोलते हैं, ठीक है। साइंस और मैथ होना चाहिए और मिनिमम 60% एग्रीगेट मैथ होना चाहिए, और प्लस में टेट में आईटीआई भी होना चाहिए। ये सब दोस्तों तो हमने आपको बोर्ड पर बता दिया था, ठीक है। अब देखो इसके अलावा बहुत सारा पोस्ट है और भी देखोगे ना इसमें, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 152 पोस्ट हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का, ठीक है। आपका ये एसी वाला और रेफ्रिजरेटर वाला 95 पोस्ट है। ड्राफ्टमैन का दोस्तों 52 पोस्ट हो गया, अगर आपने ड्राफ्टमैन आईटीआई किया है तभी भर सकते हो। ड्राफ्टमैन सिविलियन का आपका 15 पोस्ट है, मेजन का आपका 30 पोस्ट है, प्लम्बर का आपका 42 पोस्ट है, कारपेंटर का आपका 27 पोस्ट है, मोटर व्हीकल ड्राइवर का 24 पोस्ट है, डीजल मैकेनिक का 19 पोस्ट हो गया, ठीक है। आपके अलावा प्लांट ऑपरेटर का तो हमने आपको बता ही दिया, और लेबोरेटरी ज़्यादा जो पोस्ट है वो हमने आपको बोर्ड पर बता दिया था, बाकी ये सब पोस्ट देख सकते हो, ठीक है। और क्वालिफिकेशन इस सब का देखोगे ना, तो यहाँ पर सामने क्वालिफिकेशन लिखा गया है। एचएससी का मतलब होता है हायर सेकेंडरी आपका, ठीक है, हायर स्कूल 12th होता है, आसान भाषा में समझो ना, 12th। बाकी सब कैटेगरी में क्या क्या मांग रहा है वो सब तो आपका लिखा है, तो ये सब पोस्ट है। अब देखो ये सब पोस्ट पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बाकी दोस्तों ये आपका जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए वैकेंसी है, ठीक है, तो ये सब आप लोग खुद भी देख सकते हो। अब आप आओ दोस्तों, देखो यहाँ पर सबसे पहले ये सारा कुछ आपका विजन वगैरह लिखा गया, आपका विजन क्या चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह सारा कुछ आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज छूट कितना मिलेगा वो सब यहाँ पर है, 3 साल 5 साल तो मिलता ही है, वो सब दिया गया। अब सिलेक्शन मेथड देखो, आपका सिलेक्शन कैसा होगा वो भी देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया। टेक्निकल आपका जो ये तो हमेशा के लिए जो मेन था ना, यहाँ पर देखो आपका टेक्निकल पी और कैटेगरी 2 जो आपका था ना ट्रेनिंग वाला, उसका देखो इसमें दोस्तों आपका प्रीलिम्स टेस्ट होगा, ठीक है, मतलब प्री आपका टेस्ट होगा, उसके बाद एडवांस टेस्ट और स्किल टेस्ट होने वाला है। आपका सवाल क्या पूछेगा ना, सबसे पहले ध्यान समझिएगा, ये दोस्तों आपका सवाल स्टेज 1 में आपका पूछेगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होगा, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, 1 घंटे का आपका समय है। मैथ से आपका 20 क्वेश्चन है, साइंस से 20 क्वेश्चन है, और जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन है, यानी टोटल 50 क्वेश्चन हो गया। हर एक गलती के लिए 1 नंबर भी कट कर लिया जाएगा, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी देख सकते हो, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपका 1 घंटे का समय, और दोस्तों ये मैथ से 20, साइंस से 20 और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन, और 1 गलती के लिए 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। एक सही क्वेश्चन करोगे ना तो 3 नंबर मिलेगा, यानी दोस्तों 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स का, और हर एक गलती के लिए 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। बाकी आपको कैटेगरी वाइज कितना नंबर ये सब दिया गया, 40 और 30% लाने की जरूरत है, ज़्यादा लाने की कोशिश करने, इतना काम चलने वाला नहीं है। स्टेट 2 जो उसको आपका एडवांस टेस्ट है, ये दोस्तों 50 आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का समय है, 1 क्वेश्चन के लिए 3 नंबर, और हर एक गलती के लिए 1 नंबर कट कर लिया जाएगा। मेरिट आपका जो लिस्ट है ना, कैंडिडेट वी बी प्रिपेयर आफ्टर स्टेट 2 के बाद आपका मेरिट बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, आप कितना कितना लाना है, ठीक है, वो दिया गया। बाकी स्किल टेस्ट के बारे में यहाँ पर दिया गया है, स्किल टेस्ट के बारे में आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखो ये स्किल टेस्ट बता दिया, अप्लाई करने के बारे में जानकारी दी गई है। अब देखो जो जॉब के बारे में बताया था ना, अप्लाई करने के यहाँ पर पैसा देख सकते हो कितना कितना लगने वाला है, ठीक है। ये दोस्तों जो परमानेंट जो था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और दोस्तों ये ट्रेनिंग के बाद आपका रिक्रूटमेंट उसका दिया गया। अब देखो नीचे आओगे ना यहाँ पर दोस्तों, तो
आपका सारा कुछ बताया गया, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ये सब तो आपको है ही। अब देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारा कुछ। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमने ट्रेनिंग वाला बताया ना, क्योंकि उसी में दोस्तों ज़्यादातर बच्चे भरेंगे, क्योंकि टेंथ और ITI पे दोस्तों वैकेंसी है, 12th पर। तो आप लोग पूछिएगा सर परमानेंट है कि क्या है कैसे है, सारा कुछ आप बताइए। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान से इस लाइन को पढ़िएगा, इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर Category 1 आपका। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर Category 2 का आपका दिया गया ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है। देखो स्कोप एंड ट्रेनिंग पीरियड के बारे में, 2 साल का आपका ट्रेनिंग है, DEA यूनिट जो अलग अलग है, कंट्री का आपका अलग अलग अक्रॉस कंट्री के बारे में दिया गया, सारा कुछ आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपका आपका देखो ग्रांट आप तो सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। अगर आपका ट्रेनिंग पास कर देता हो, सारा कुछ पास कर देता हो ना, आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा कैसा परफॉर्मेंस है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपका पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड इंटरव्यू के आधार पर दोस्तों आपका आगे का ट्रेनिंग के बारे में यहाँ दिया गया, हेल्प टू बी इन द ट्रेनिंग, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह। तो उसके बाद दोस्तों आपका अगर हो जाता है ना, तो आपका ये सब आपका देख लो, इसमें Category 1 और Category 2 का इस पोस्ट के लिए आपका यहाँ पर सारा कुछ दिया गया, इसमें बदल दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ना बॉन्ड के बारे में भी दिया गया है, आपका 3 साल का जो ये होगा ना ट्रेनिंग, बीच में अगर छोड़ते हो या फेल हो जाते हो ना ट्रेनिंग में आपका, ठीक है, तो आप बीच में अगर छोड़ना चाहो ना ट्रेनिंग में, तो पैसा वैसा जो गवर्नमेंट है ना आपसे रिकवर करेगी। तो ये सब पढ़ लीजिएगा, पूरा डिटेल्स में दिया गया। बाकी 3 साल के बाद फिर आपका मतलब शुरुआत में आपका तो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के रूप में आपका होगा, उसके बाद 3 साल के बाद आपका हमेशा के लिए हो जाएगा, अगर सारा कुछ आप पास कर जाते हो तो, ठीक है। ये सब आपको खुद से पढ़ लेना है पूरा डिटेल्स दोस्तों समझने के लिए, ठीक है। हमने ऊपर मोटा मोटी जो हमें समझ में आया हम आपको बता दिया, ठीक है। यही दोस्तों डिटेल्स आपको बताना था तो आप लोगों को मैंने बता दिया। यहाँ पर आप देखो ना बॉन्ड के बारे में भी दिया गया है, आपका 3 साल का जो ये होगा ना ट्रेनिंग, बीच में अगर छोड़ते हो या फेल हो जाते हो ना ट्रेनिंग में आपका, ठीक है, तो आप बीच में अगर छोड़ना चाहो ना ट्रेनिंग में, तो पैसा वैसा जो गवर्नमेंट है ना आपसे रिकवर करेगी। तो ये सब पढ़ लीजिएगा, पूरा डिटेल्स में दिया गया है। बाकी 3 साल के बाद फिर आपका मतलब शुरुआत में आपका तो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के रूप में आपका होगा, उसके बाद 3 साल के बाद आपका हमेशा के लिए हो जाएगा, अगर सारा कुछ आप पास कर जाते हो तो, ठीक है। दोस्तों सारा कुछ हमने आपको मोबाइल के स्क्रीन पर बता दिया, क्योंकि बोर्ड पर जगह कम था। आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ट्रेनिंग के बाद आपका वो कैसे होगा, इसके अलावा सिलेबस वगैरह सारा कुछ हमने मोबाइल की स्क्रीन पर आपको बता दिया है, ठीक है। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी लिखा गया है, अगर आपको डेट ऑफ बर्थ से मतलब कन्फ्यूजन हो रहा है ना, कितना के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये Category 2 के लिए लिखा गया। अगर आपका देखो 23 मई 2001 से लेकर 22 मई 2005 तक का डेट ऑफ बर्थ है जनरल वालों के लिए, तो अप्लाई कर सकते हो। बाकी 3 साल का छूट मिलता है OBC का, तो ये दोस्तों 98 हो जाएगा, बाकी और SC ST का 96 हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ, तो ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन की बात है नहीं। तो ये दोस्तों मैंने बोर्ड पर कुछ पोस्ट बताया था, बाकी सारा स्क्रीन पर आपको बता दिया, और ट्रेनिंग आपको बताया, ट्रेनिंग होगा, उसके बाद दोस्तों आपको ट्रेनिंग पास करते हो ना, ट्रेनिंग में आपका इंटरव्यू वगैरह होता है, तब सिखाया जाएगा वही पूछा जाएगा, तो ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन की बात है नहीं, पास कर जाओगे, ठीक है। उसके बाद सैलरी वगैरह सारा कुछ बढ़ जाएगा। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। अब जॉब लोकेशन कहाँ होगा, ये भी सवाल उठता है ना। देखो भाभा परमाणु अनुसंधान संस्था दोस्तों महाराष्ट्र में है, ठीक है, तो महाराष्ट्र में आपका जॉब का लोकेशन होगा, ठीक है, मुंबई में, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।